मुन्नी बस बहुत हो गया, चलो आओ। श्रेया श्रेया बहुत हुआ, पूल से बाहर निकलो। मुन्नी अपना चश्मा निकालो। राज श्रेया से कहो ना पानी से निकले। What? Get Shreya out of the water. प्रॉब्लम माइक्रोचिप में है या सॉफ्टवेयर में? माइक्रोचिप में सर, चाइना से आए हुए पूरे माइक्रोचिप में प्रॉब्लम्स है। माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। अभी स्विमिंग करके आ रही हो ना, आइसक्रीम खाओगी तो ठंड लग जाएगी बेटा, कल खा लेना। नहीं मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। उन खराब चिप्स के साथ कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए? 10 लाख यूनिट्स सर। स्टॉप इट मुनी, अब अपना कॉस्ट्यूम उतारो और कपड़े पहनो। नहीं पहनूंगी, मुझे आइसक्रीम चाहिए। सुनो जानवी, एक काम करो, सारे यूनिट्स के चिप्स को बदलवा दो, उस चाइनीज सप्लायर को हटाओ और उसे कहो कि नुकसान की भरपाई करे। नायडू, नायडू सर, जाकर देखो ये जनरेटर क्यों नहीं ऑन हुआ आपका। जी सर। श्रेया, 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 श्रेया बेटा, श्रेया, श्रेया, राज, राज, श्रेया, श्रेया, श्रेया खोल बेटा, श्रेया, 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 श्रेया बेटा आ खोल, श्रेया खोल बेटा, क्या हुआ श्रेया को? बेटी इधर आओ जरा। जानवी सर, देखो मुन्नी ने अपना इनहेलर गले से उतार दिया है। तुम्हारा नाम क्या है? मुन्नी। कौन से स्कूल जाती हो? जॉनसन ग्रामर स्कूल। मुन्नी दीदी इसे गले में पहन लो। रिपोर्ट्स आ गई हैं, पावर कट की वजह से पूल का क्लोरीन पंप खराब हो गया था, इसलिए पूल में क्लोरीन की मात्रा काफी बढ़ गई थी, इसी वजह से श्रेया को अस्थमा अटैक हुआ। एनीवे एक्सीडेंट का केस दर्ज नहीं हुआ है और मैंने पोस्टमार्टम ना करने की अनुमति ली है, क्रिमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना
फोन के साथ क्या कर रही हो? मैंने मना किया है ना, अपनी बहन का फोन मत छुआ करो। क्यों ना छुऊं मैं? क्योंकि उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने कहा था वो मुझे फोन देगी। देखो मुनी, बेवजह झूठ मत बोलो। नहीं, मुझे फोन चाहिए, दीदी ने कहा था। कब कहा था उसने? आओ, मैंने तुम्हारे लिए मैगी बनाई है, आ जाओ। मुझे मैगी नहीं खानी। मुनी, मुनी कहाँ जा रही हो? वापस आओ। हाय मम्मी। कर रह सकते, मैं यहाँ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। A to Z Realtors। हेलो, क्या आपके पास कोई घर है जो आप बेचना चाहते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, I'll come and see tomorrow। Sure, ma'am। मुझे प्लीज पिक्चर्स मेल कीजिए। एक बार फिर से बताएं, जापान से कितने गेस्ट आए? फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलाकर बात करें तो 12 लोग सर। चेयरमैन को जगह पसंद आई? वेरी हैप्पी सर, निजाम सूट दिया है और बाकी के कमरे भी बहुत ही अच्छे हैं सर। ये एग्रीमेंट फोल्डर है क्या? बिल्कुल बेकार है। मैंने लेदर फोल्डर बोला था, ब्राउन लेदर फोल्डर गोल्डन ट्रिमिंग के साथ, वो चाहिए मुझे। और पेंस चाहिए मॉन्ट ब्लांक के, बॉल पेंस नहीं चाहिए, प्रॉपर फाउंटेन पेंस। प्रेस से फॉलो अप कर रहे हो? जी सर, कर रहे हैं। नेशनल और लोकल सारे मीडिया वाले होंगे, मैंने खुद सारे चैनलों के हेड से बात की है सर। ओके, प्रोटोकॉल टीम को कहो कि उनके हर आदमी की मदद के लिए हमारे 2 लोग उनके साथ होंगे और चेयरमैन के साथ मैं खुद रहूंगा। एंड बाय द वे, उम्मीद है आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि वो वेजिटेरियन है। रिलैक्स राज, इस टॉपिक पर पिछले 3 दिनों में ये 4th मीटिंग है, सब बढ़िया ही होगा, डोंट वरी। इतनी मीटिंग्स होने के बावजूद भी एक सही फोल्डर नहीं, यहां तक कि मुझे सही पेन भी नहीं दिखा। हम चीजों को चांस पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कभी कभी छोटी से छोटी गलती भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। हम सब जानते हैं कि इस मर्जर के लिए हमने बहुत मेहनत की है। जापानीज बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो हर चीज को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमसे कोई भी गलती हो। सी यू ऑल टुमारो, गुड नाइट। जानवी, यस सर। जाने से पहले मुझे कल की स्पीच भेज। ओके सर। थैंक यू। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मर्जर नहीं, पैसा या कैपिटल का मर्जर नहीं, और ना ही ये मैन पावर और मशीन का है, बल्कि ये एक दिल, दिमाग और संस्कृति का मर्जर है। हमारे समय की एक महान टेक कंपनी के निर्माण का मर्जर है। थैंक यू। दोनों कंपनियों के सकारात्मक मीटिंग के बाद राजकुमार राव की टेक्निकल और जापान की मत्सुमोटो कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज करने जा रही है।
इस मौजे के साथ राजकुमार राव की कंपनी को जहां मत्सुमोटो की टेक्नोलॉजी मिली है, वही मत्सुमोटो को दुनिया की दूसरे नंबर का कंज्यूमर मार्केट मिला है। हाय कांग्रेट्स राज, क्या तुम फ्री हो गए हो? हाँ ऑलमोस्ट। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें एक लोकेशन भेजी है, डायरेक्टली वहीं आना। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, तो ये है तुम्हारा सीक्रेट। लेकिन ये सीक्रेट तो काफी पुराना लग रहा है लीना। 1928 में ये घर बना था, 90 साल पुराना है। लेकिन ये पुराना घर क्यों? शहर से बाहर जमीन लेकर एक आलीशान घर बना सकते थे। 5000 स्क्वायर यार्ड में बना है ये घर, शहर के बीचों बीच, वो भी काफी कम दाम में। उन्हें जल्द से जल्द बेचना था। पर लीना सीरियसली, ये तो काफी पुराना लग रहा है। 500 के रेडियस में यहाँ 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और मुन्नी की कंडीशन देखते हुए हम हॉस्पिटल से ज्यादा दूर तो नहीं रह सकते। ये लिविंग और डाइनिंग एरिया है। और मेरा ऑफिस कहाँ है? हाईटेक सिटी, घर पर कोई ऑफिस नहीं। और बाय द वे, यहाँ टीवी भी नहीं होगा। आओ ऊपर चलते हैं। और ये होगा मुन्नी का स्कूल रूम। हाय डैडी। हाय मुन्नी, तुम्हारा स्कूल रूम तो बहुत सुंदर है। देखो मेरे पास लैपटॉप भी है। ओ, तुम्हारा लैपटॉप तो मेरे लैपटॉप से भी बढ़िया है। क्या मैं रख लूं? नहीं डैडी, मुझे एक फोन भी चाहिए। तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास फोन नहीं होगा। तुम्हारे पास होगा ये। इसे कहते हैं वॉकी टॉकी। एक तुम्हारे पास होगा और एक मेरे पास होगा। ये फोन की तरह काम करता है। देखो जब तुम इसे ऑन करोगी तब हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। अच्छा तुम यहीं रहो, मैं नीचे जाकर तुमसे बात करती हूँ। ओके बाय। ये वॉकी टॉकी नहीं है, ये बेबी मॉनिटर है। अगर वो रात को उठती है तो हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। कम, आई हैव टू शो यू समथिंग। ये होम स्कूलिंग के बारे में, आर यू श्योर? एक बार सोच लो। नहीं राज, जब तक मुन्नी के लंग्स ठीक नहीं हो जाते मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। और मोरोवर मैं भी बिजी रहना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे श्रेया की याद आती रहेगी। मैंने सोचा है कि मैं कोई कुक नहीं रखूंगी या कोई मेड नहीं रखूंगी, क्योंकि सारा काम मैं खुद ही करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। तुमने ये नहीं कहा कि पति भी नहीं चाहिए। वेरी फनी। आ जाओ। यह स्टीम रूम, मुन्नी यहाँ हर रोज स्टीम ले सकती है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके लंग्स के लिए यह बहुत जरूरी है। यहाँ थोड़ा काम होना बाकी है। हाय मुन्नी। हाय मम्मी, कहाँ हो? हम नीचे हैं। आ जाओ साथ में डिनर करते हैं। ओके बाय। कुछ भूल रही हो? प्लेट को उठाओ और सिंक पे डालो। मुन्नी तुम रूल्स ब्रेक कर रही हो। मैंने कहा था ना सोने से पहले कोई गैजेट नहीं। चलो बंद करो इसे। सोते वक्त तुम्हारे पास ये वॉकी टॉकी रहेगा। ओके चलो। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट मम्मी। वो सो गई? कोशिश कर रही है सोने की। तुमने उसे कोई स्टोरी सुनाई? नहीं आज नहीं, बहुत थकी हुई हूँ। तुम्हें ये घर पसंद है? अच्छा है। सही में पसंद आया या सिर्फ मेरे लिए कह रहे हो? तुम्हारे लिए कह रहा।
नहीं नहीं, मुझे सही में पसंद आया। क्या श्रेया को भी ये घर पसंद आता? इसे साइड में रखो और सो जाओ। देखने आई हो, लेकिन क्यों? अगर अभी कहीं जाऊंगी तो मम्मी गुस्सा करेगी। मम्मी इतनी जल्दी नहीं सोती, मुझे देखने दो। मुन्नी, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम कल नहीं आ सकती? हम कल खेलेंगे। ये हमारा सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। मुन्नी इधर आओ। हाँ? बाय। आ जाओ। गुड मॉर्निंग मुन्नी। गुड मॉर्निंग डैडी। क्या खा रही हो? मैं सीरियल खा रही हूँ डैडी। ब्रेकफास्ट रेडी है। क्या बनाया? गेहूं का उपमा। यक, मैं भी सीरियल ही खाऊंगा। लीना, ये वाला सीरियल क्यों खरीदा? इसमें बादाम है। ओह गॉड, पर ये पैकेट पे तो लिखा ही नहीं था। इतने वक्त तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हाँ। इसका पैकेजिंग गलत है, इन पर केस कर देना चाहिए। मुझे दो ना डैडी। मुन्नी, ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें नट्स हैं। लीना, मुन्नी के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाओ, जो इसे बहुत पसंद है। फ्रेंच टोस्ट नहीं, मुझे सीरियल चाहिए। लीना, कोई और सीरियल है क्या? नहीं तो। एक अच्छा आइडिया है, मुन्नी और आज में मिलके पैनकेक्स खाएंगे। मुझे पैनकेक्स नहीं, सीरियल खाना है। स्टॉप इट मुन्नी, ये तुम्हारे लिए नहीं है, कुछ और खा लो। यही चाहिए, सीरियल सीरियल सीरियल। जिद करोगी तो तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। ये क्या किया तुमने? हाँ? ये क्या हुआ? मैंने इसे सीरियल्स खाने से मना किया तो इसने मुझ पर प्लेट्स फेंकी। मुन्नी, शाम को आकर बात करता हूँ तुमसे। बाय। चलो उठ के साफ करो। क्या हुआ तुम्हें? अगर डैडी को कुछ हो जाता तो? तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने डैडी पर प्लेट्स फेंक दी? मुन्नी, मैंने कुछ भी नहीं फेंका मम्मी। ए, झूठ मत बोलो, तुमने नहीं फेंकी तो किसने फेंकी? मैंने नहीं फेंका। मुन्नी स्टॉप इट, एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें, गलत काम करती हो और झूठ बोलती हो। मैंने नहीं फेंका, नहीं फेंका, नहीं फेंका। मुन्नी कहाँ जा रही हो? मुन्नी वापस आओ।
महीने की और डांट मुझे मिली। तुम उन्हें दिखती क्यों नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं दीदी, हम जाएंगे तो मम्मी फिर डांटेगी। मुन्नी, सफाई कौन करेगा? चलो मेरे साथ। इधर उधर क्या देख रही हो? चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? आपको नहीं कहा। ए, फालतू की बात मत करो, चलो मेरे साथ नीचे चलो। चलो तुमने ये जो प्लेट्स तोड़ी है इसे तुम ही साफ करोगी। जाओ बाहर जाकर डस्टबिन में से डाल के आओ। जल्दी आओ, हमें पढ़ाई शुरू करनी है। से ही करवाती है। हम घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? वहां मुझे कोई डांटेगा तो नहीं ना? डैडी कभी कभी मुझे मारते भी हैं। तुम सही कह रही हो, जब मम्मी पापा मुझे मिस करेंगे तब उन्हें अपनी गलती के बारे में पता चलेगा। हम वापस कब आएंगे? इतना समय लगेगा तो मैं सामान पैक कर लेती हूँ। बेटा आप कहाँ जा रही हैं? गेट खोलो। क्यों बेटा, आपकी मम्मी कहाँ है? ए, गेट खोलो। हेलो मैडम, मुन्नी बेबी बाहर जाने के लिए गेट खोलने के लिए कह रही हैं। क्या? हे, गेट खोलो। बेटा आप मेरी बात सुनो, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। कहा ना गेट खोलो। मुन्नी, मुन्नी कहाँ जा रही हो? गेट खोलने की जिद कर रही है मैडम। क्या हो गया मुन्नी, तुम कहाँ जा रही थी? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। क्यों बेबी? मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। इस बात को पक्का कर लेना कि जापानीज़ डेलीगेशन बोर ना हो। क्या उनके लिए कोई साइट सीइंग ऑर्गेनाइज किया? यस सर, फिल्म सिटी चौमोहला पैलेस। एक मिनट लेना। बिजी हो क्या? नहीं बोलो। राज, तुम्हारी बेटी आज घर छोड़ के भागने की कोशिश कर रही थी। क्या, कहाँ? मुझे नहीं पता, सूटकेस पैक करके भाग रही थी। कार्ड ने उसे रोका तब जाके रुकी है। ओह गॉड, आई थिंक तुम्हें उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए राज। अगर बहुत बिजी नहीं हो तो प्लीज घर आ जाओ। ठीक है मैं आता हूं। एक्सक्यूज मी सर, जापानीज एडवर्टाइजिंग बजट का एक एस्टिमेट मांग रहे हैं। जानवी के पास एस्टिमेट है लेकिन वो आज लीव पर है। वो जहां भी है उससे कॉन्टेक्ट करो या किसी और को ढूंढो, मुझे अर्जेंट घर जाना है। कहां है वो? ऊपर बालकनी में, उसके साथ। प्यार से पेश आना राज, मैंने उससे बात करने की कोशिश की है। वो घर से भाग क्यों रही थी? वो हमसे नाराज थी। तुम उसके लिए कुछ लेकर आए? तुमने कुछ बोला ही नहीं।
कम ऑन राज, इतनी सी बात तुम नहीं समझ सकते? तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। हाय मुन्नी, क्या कर रही हो? आज हम अल्फाबेट सीख रहे थे, है ना? वाओ, कितने अल्फाबेट सीखे तुमने? ए। मुन्नी, ए फॉर व्हाट? बताओ बेटा। बताओ मुन्नी, डी फॉर व्हाट? मुन्नी, डी फॉर? दीदी। ए, ये दीदी क्यों लगा रखा है? तुम अभी मुझे ऐसे सारे फ्रूट्स के नाम बता रही थी ना? दीदी एक शब्द है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। अच्छा मुनी, मैं तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाता हूँ, उसे देख के तुम्हें बहुत मजा आएगा। डैडी, फिर से दिखाओ ना। दिखाऊंगा बेटा, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। तुम कुछ भी ऐसा नहीं खाओगी जिसमें नट्स हो, समझ गई? जब मम्मी डैडी कुछ खाने से मना करें तो तुम्हें नहीं खाना चाहिए। प्रॉमिस? प्रॉमिस डैडी। तुम मेरी प्यारी बेटी हो। हेलो। हाँ मैं आ रही हूँ। कितना काम हुआ आज? स्टीम नोजल्स लगा दिया है मैडम। दरवाजे और खिड़की के लिए ग्लास और एक्रेलिक लाया हूँ मैडम। आप क्या लगवाना चाहती हैं? जिसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है मुझे वो वाला प्रोडक्ट बताइए। ग्लास का रिफ्लेक्शन ज्यादा है, एक्रेलिक कुछ समय बाद बदलना पड़ता है। अगर हम ग्लास का डबल पैनल लगवाएंगे तो ये काफी समय तक चलता है। मेरी बेटी को बहुत पसंद है। जब यू फॉर अमिताभ बच्चन आता है तब वो उसे पढ़कर बहुत हंसती है। अच्छा ठीक है, आप ग्लास ही यूज कीजिए, कुछ मेहमान आने वाले, मुझे तैयारी करनी है। ग्लास कटकर रेडी है मैडम, 2 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। जाओ तुम ग्लास लेकर आओ। डैडी, डैडी, ये देखो डैडी। किस होटल में जापानीज रेस्टोरेंट है? नहीं, उस होटल में नहीं है, वहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट है। जापानीज खाना चाइनीज से अलग होता है। हाँ जरा चेक करो आईटीसी होटल में है क्या। हाँ लंच के लिए उनका टॉप मैनेजमेंट और हमारे लोग मिलाकर कितने लोग हो रहे हैं चेक करो, और पूरे ग्रुप के लिए एक बड़ा टेबल रिजर्व करो, और जापानीज वाइन भी। डैडी मैंने दोनों पैर ऊपर कर लिए। जापानीज वाइन, इंडियन वाइन नहीं, जापानीज वाइन। जापानीज वाइन जापान से आती है, इंडिया में नहीं मिलती है, बहुत एक्सक्लूसिव होती है। राज, मुनी तुमसे बात कर रही है। एक मिनट होल्ड करना। स्टॉप इट मुनी, मैं फोन पर बात कर रहा हूँ ना, चुप रहो अभी। अगर उनके पास ज्यादा जगह नहीं है तो उनसे कहो कि 2 घंटे के लिए रेस्टोरेंट को बंद रखें, हम उन्हें पे कर देंगे। What's wrong with you, मुन्नी? तुम पागल हो गई हो क्या? स्कूटी को मेरी तरफ धकेल दिया, उसे टकरा कर मैं गिर गया। सीरियसली लीना, तुम्हें इसे दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये एक एक्सीडेंट था, मैं उससे बात करती हूँ, तुम जाओ। बाय। बाय। आजकल तुम इतना गुस्सा क्यों करने लगी हो मुन्नी, वो भी डैडी पर? डैडी ने तुम्हें डांटा, तुमने देखा ना वो कैसे गिरे थे? तुमने स्कूटी डैडी की तरफ क्यों पुश किया? मैंने नहीं किया मम्मी। अगर तुमने नहीं किया तो फिर क्या वो अपने आप हो गया था? मुन्नी, अगर तुम दूसरों के साथ बुरा करोगी तो तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा, समझी? हमें तो डैडी से बहुत प्यार है ना, सही कह रही हूँ? हाँ है। तो जब डैडी घर आएंगे तो तुम उन्हें सॉरी कहोगी? लेकिन मैंने स्कूटी को धक्का नहीं दिया था। चलो मान लेते हैं कि वो एक एक्सीडेंट था, फिर भी तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगोगी? हाँ मांगूंगी। गुड गर्ल, अब रेडी होके स्टीम रूम में आ जाओ, ओके? आ जा, अंदर आ जा।
अब स्टीम ऑन करके देखिए। नाक से सांस लो और मुंह से छोड़ो, सांस लो मुंह से छोड़ो। तुम इसे रोज करोगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। करोगी? करूंगी मम्मी। अगर तुम्हें मुझसे बात करने का मन करे, जब तुम कभी अकेली रहोगी तो इस बटन को दबाना, ठीक है? मैं घर में कहीं भी रहूंगी तुम्हारी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है? ठीक है। अब तुम ऊपर कमरे में जाओ और ए से सारे फ्रूट्स के नाम याद करो, मैं तब तक यहाँ के कुछ काम निपटाती हूँ, ओके? फिर हम बी अल्फाबेट सीखेंगे, ठीक है? गुड गुड। चलो चलते हैं, मम्मी अभी बिजी है। हेलो मैडम, मुन्नी फिर से बाहर जाने की कोशिश कर रही है। क्या कहा? ए, मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो। हाय। हाय। खुशबू अच्छी है, खाने में क्या है? प्रॉन्स करी है। ओ, और मैडम कैसी हैं? अपने कमरे में है, बंद करके रखा है। क्यों, क्या किया आप उसने? वो फिर से भागने की कोशिश कर रही थी राज। वो ऐसा क्यों कर रही है? समथिंग इज बॉदरिंग हर राज। मैंने उसे पूछने की कोशिश की लेकिन वो कुछ बता नहीं रही। मुझे लगता है लीना, हमें किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, शायद उससे उसके कुछ प्रॉब्लम पता चले। Let's wait for some time. मैंने बेबीसिटर का इंतजाम किया है, फुल टाइम होगी। मैं बहुत थक गई हूँ, चलो खाना खाते हैं। बेबीसिटर ने कंफर्म कर दिया, डिटेल्स मंगवाती हूँ। ओके, बताओ क्या खाओगी, पैनकेक या वॉफल? न्यूटेला। नो न्यूटेला, घर में न्यूटेला नहीं है बेटा। मुझे न्यूटेला चाहिए। बिल्कुल नहीं, नो न्यूटेला, उसमें नट्स होते हैं। याद है तुमने प्रॉमिस किया था कि मम्मी डैडी जो भी कहेंगे तुम उसे मानोगी? अपना प्रॉमिस भूल गई ना? चलो फिर से प्रॉमिस करो। प्रॉमिस डैडी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। हाँ विनोद, आपकी बेबीसिटर बिल्कुल ठीक है, वाइजैग से है और एक विधवा है, उसका अपना भाई वाइजैग में ही रहता है, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। ठीक है, थैंक्स, टेक केयर। विनोद था, बेबीसिटर का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। अच्छा ये बताओ, अल्फाबेट्स की क्लास कहाँ तक पहुँची है? अभी तक हम ए पर ही अटके हुए हैं, मैडम बहुत बिजी चल रही हैं। ये एक बार फ्री होंगी तो हम कुछ आगे बढ़ेंगे। मैं बिजी नहीं, आप लोग बिजी हैं। ठीक है, लेकिन मम्मी से ऐसे बात नहीं करते। मैडम बाहर कमला जी आई हैं। अंदर भेज दो। अंदर आइए। हेलो मैम। हेलो, थैंक यू। सुनो, मम्मी ने आज मेरे लिए डोसा बनाया है, बहुत टेस्टी था, तुम खाओगे ना मजा आएगा। राज, ये कमला है। हेलो सर। हाय। ये है हमारी छोटी मैडम मुन्नी। हेलो मुन्नी, ज्योति मैडम ने मुझे सब बताया है। कमला जी, आपको हर वक्त मुन्नी का ध्यान रखना होगा, इसको कभी अकेला नहीं छोड़ना। ओके सर। लीना, इन्हें मुन्नी के एलर्जीज के बारे में बता दे रहा हूँ। बाय बेटा, बाय लीना। बाय।
बादाम, पिस्ता, मूंगफली जैसी कोई भी चीज मुन्नी नहीं खा सकती है। ऐसा कुछ भी खाते इसके लंग्स कंजेस्टेड हो जाते हैं और ये सांस नहीं ले पाती है, जो जानलेवा हो सकता है। तो तुम्हें ये सारी चीजें इसे नहीं देनी है, इन बातों का ख्याल रखना। ओके मैम। ये इनहेलर इसके पास हमेशा होना चाहिए। अगर ये हटाती है तो इसे वापस पहना दो, और अगर ये नहीं पहनती तो मुझे बताओ। मुन्नी, तुम्हें इनकी बात माननी होगी। आंटी को तंग मत करना। जाओ इन्हें अपना स्कूल रूम दिखा। ब्रेकफास्ट रेडी होते मैं बताती हूँ। तुम सीढ़ी के बगल वाले कमरे में अपना सामान रख दो। ओके मैम। इस तरफ। वाओ, तुम्हारा स्कूल रूम तो बहुत सुंदर है मुनी। बताओ क्या करें हम? तुम जो चाहो वो करेंगे। तुम क्या करना चाहती हो? खेलते हैं। तुम्हें खेलना है? अच्छा, कौन सी गेम? चोर पुलिस। चोर पुलिस। हाँ, तुम पुलिस और मैं चोर। तुम आँख बंद करके दस्तक गिनो, मैं छुप जाऊंगी, फिर तुम मुझे ढूंढोगी। ओके, रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कहाँ जा रही हो? 9, 10। अपना सामान अंदर रखो और ब्रेकफास्ट के लिए आओ। मुझे ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए। ओके, नो ब्रेकफास्ट। कमला, इसे अपनी आंखों से दूर मत करना, साथ ही रहना। ले जाओ इसे। ओके मैम। कम मुन्नी। ये मुझे दे दो। हे मुन्नी, तुम्हारे पास तो बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं। अरे मोनोपोली, मोनोपोली तो मुझे बहुत पसंद है, चलो खेलते हैं। मेरे पास इतने सारे गेम्स होते ना तो मैं अपना कमरा कभी नहीं छोड़ती। हे मुन्नी, मुझे दिख रहा है।
अरे मुन्नी, तुम्हें पता है क्या है? आओ तुम्हें दिखाता हूं। प्लीज कम सर, ये आप लोगों का टेबल है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग, आप लोग क्या ऑर्डर करेंगे? मुन्नी, मैक एंड चीज। सैलेड? यस प्लीज। एक मैक एंड चीज, दो सीजर सैलड्स और एक बढ़िया वाइन की बॉटल प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्लीज एंजॉय योर इवनिंग। मुन्नी, तुम्हारी मम्मी और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछ सकते हैं? तुम्हें मम्मी डैडी पसंद है? तुम हमें बहुत प्यार करती हो? अगर हमें तुम प्यार करती हो तो हमें छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं बेटा, तुम हमें क्यों छोड़ना चाहती हो? ठीक है, मत बताओ। कमला दीदी को क्यों डराया तुमने? मैंने नहीं डराया डैडी। मुन्नी, मम्मी नीचे थी, मैं वहां नहीं था। कमला के साथ तुम ही थी ना, तो तुमने ही कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया डैडी। ठीक है, तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? दीदी ने किया। दीदी ने नहीं किया। दीदी यहाँ नहीं है, दीदी मर चुकी है। दीदी इस तरह के बेवकूफी कभी नहीं करेगी। दीदी ने किया। स्टॉप इट मुन्नी। क्या दीदी ने मुझ पर चीजें फेंकी? क्या दीदी ने मुझ पर स्कूटी चलाई? दीदी ने किया, वो आपकी वजह से मरी। उसी ने ये किया। आप मुझे भी मार देंगे, मुझे नहीं रहना आपके साथ। ओके, सब हो गया। टेरेस सील्ड, बैक डोर सील्ड, घर पूरी तरह सुरक्षित है। क्यों किरण, हो गया ना? हो गया सर। मुन्नी एक भी दरवाजा खोलती है तो अलार्म बज जाएगा। 30 सेकंड के अंदर कोड नहीं डाला गया तो लोकल पुलिस स्टेशन में सिग्नल चला जाएगा और पुलिस 5 मिनट में यहां होगी। लीना, ऐसा कोड डालिए जो आपको याद रहे। पकड़ लिया चोर को, चोरी पकड़ी गई। मुन्नी, क्या तुम जानती हो कि मैं चोरों के साथ क्या करता हूँ? मैं उन्हें जेल में डाल देता हूँ। तुम्हें जेल जाना है क्या? नहीं अंकल। तुम बहुत बदमाशी करने लगी हो। तुम्हें पता है कि मेरे पास बच्चों के लिए भी जेल है, तुम्हें वहाँ डाल दूँ? कोई बदमाशी नहीं की अंकल। ऐसा है क्या? ये तो कह रहे कि तुम बहुत बदमाशी करती हो। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। व्हाट? मेरे पास झूठ बोलने वालों के लिए भी जेल है। मम्मी डैडी को वहाँ डाल दूँ क्या? तुम बहुत प्यारी लड़की हो। लीना, तुम चिंता मत करो, अगर तुम कोड भूल जाओ स्टेशन से अलार्म को डिसेबल किया जा सकता है। थैंक्स विनोद। थैंक्स विनोद। मुझे लगता है कि अपने काम से रिजाइन करके इसकी पर्सनल सिक्योरिटी देखनी चाहिए। शायद यही मेरे लिए अच्छा रहेगा। सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ। बाद में मिलते हैं, ऑफिस में काम है। टेक केयर। ओके बाय। बाय। हो गया, अब हम दरवाजा नहीं खोल सकेंगे। बाहर कैसे जाएंगे? दरवाजा खोलते ही अलार्म बज जाएगा। क्या आइडिया है? मम्मी। हाँ बेटा। डैडी कहाँ है? काम पर है, ऑफिस में। मुझे भूख लगी है। खाना तैयार है, चलो खाते। क्या बनाया है? सांभर और आलू फ्राई। मुझे नहीं खाना, मुझे पिज्जा चाहिए। ऑर्डर करो। कौन सा पिज्जा? चीज पिज्जा।
हेलो, स्विगी वाला आया है मैडम। मैडम, स्विगी वाला कहाँ है? वो अंदर गया है मैडम। मुझे तो नहीं दिख रहा। ए, ये तुम क्या कर रहे हो? बॉक्स मेरे हाथ से छूटकर उड़ने लगा था मैडम। शट अप, तुम हमें ये पिज्जा देने वाले थे? ऑर्डर कैंसिल है मैडम। अपने सुपरवाइजर का नंबर दो। सॉरी मैडम। आई सेड गिव मी योर सुपरवाइजर्स नंबर। अरे रुको, रुको, रुको। तुम घर से बाहर क्यों निकली और तुम स्कूटर पर कैसे चढ़ी? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती मुन्नी? क्या तुम ऐसे ही करती रहोगी? क्या तुम्हें यहाँ से जाना है? आने दो डैडी को, सब बताऊंगी। प्लीज मम्मी, डैडी को मत बताना। नहीं मुन्नी, डैडी को आने दो, मैं उन्हें आज सब बताऊंगी। प्लीज मम्मी, डैडी को मत बताना, वो मुझे मारेंगे। अगर तुम चाहती हो कि मैं डैडी को कुछ न बताऊं तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आज से ये सारी हरकतें तुम्हें बंद करनी पड़ेंगी। एन ने रसोई की खिड़की से बाहर देखा। जिंदगी के इस मकाम पर एन शर्ली को झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। ग्रीन गेबल्स की एन के लिए अब जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। मम्मी, क्या मैं एक बुरी लड़की हूँ मम्मी? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, तुम दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। तुम ठीक हो? चलो इसे इनहेल करो, दो मुझे। अरे ये तो खाली है, बताया नहीं तुमने, रिफिल लेकर आती हूँ। ओके मम्मी। चलो तुम सो जाओ, मैं इसके रिफिल्स लाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। राज, 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 क्या हुआ? मुन्नी घर में नहीं है। क्या? हाँ,
यहीं सुलाया था मैंने, पता नहीं कहाँ है, कहाँ चली गई होगी राज। फिक्र मत करो, वो यहीं कहीं होगी। राज, मुन्नी, 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 गुड मॉर्निंग सर। मेन दरवाजे पर आओ। जी सर, अभी आया सर। रात को ड्यूटी पर कौन था? मैं था सर। मुन्नी को बाहर जाते देखा? नहीं देखा सर। तुम रात को सोए तो नहीं थे? नहीं सर। मुन्नी, मुन्नी कहाँ चली गई राज? मुन्नी कहाँ है? मुन्नी कहाँ गई? Say something राज। मुन्नी इसे छोड़ के चले गए, अगर उसे अस्थमा अटैक आ गया तो क्या होगा राज? आज मैं तुम लोगों से मिलने के लिए यही आ रहा था, क्या हुआ? बताता हूँ, अंदर आओ। अब बताओ क्या बात है? मुन्नी इज मिसिंग विनोद। क्या? सही कह रही है, रात को उसे सुलाया था लेकिन सुबह वो गायब थी। घर में हर जगह ढूंढा तुम लोगों ने? देखा, लेकिन वो घर से बाहर नहीं गई। अलार्म बजा था क्या? नहीं बजा। तुमने सीसीटीवी फुटेज देखा? देखा, कुछ नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे हवा में गायब हो गई। क्या कह रहे हो? मैं जरा फुटेज देखना चाहता हूं। ये रात की फुटेज है और ये लीना सुपरमार्केट गई थी। इसने ही सोने से पहले मुन्नी को देखा था। जरा एक बार पीछे जाओ। वेट, मुझे देखो। ये क्या था? एक बार फिर से प्ले करना। लीना, ये देखो। What? और पीछे जाकर देखते हैं। ये क्या है? My God! उसने मुझसे कहा था, मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया। तुम ये समझते हो ना कि ये कोई ऑर्डिनरी मिसिंग केस नहीं है? जरूर यहां पर किसी
बाहरी शक्ति का साया है राज। बाहरी शक्ति? ये तुम क्या कह रहे हो? अब हम क्या करेंगे? हमारी मदद करो ना प्लीज। डू समथिंग विनोद, प्लीज मुन्नी को ढूंढो विनोद। लीना, तुम लोगों को समझदारी से काम लेना होगा। हम इसकी तह तक जाएंगे। मुझे एक कॉल करना होगा। विनोद, जो करना संभाल के करना। पहले श्रेया और अब मुन्नी। मेरी कंपनी का मर्जर हो रहा है। प्रेस वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ राज, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। मुझे जाकर मिलना होगा। कौन है ये? आत्माएं इंसान की अस्थिरता और डर पर पनपती हैं। आत्मा और जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं होता। मिसाल के तौर पर, जब हम कुत्ते के सामने डरते हुए जाते हैं तो वो हमें और ज्यादा डराता है, और जब हम उसके पास बेखौफ होकर जाते हैं वो शांत रहता है। आत्माओं का भी कुछ ऐसा ही है। तुम उनसे जितना डरोगे वो तुम्हें उतना डराएंगे। वो सिर्फ डरपोक और दिमागी रूप से कमजोर लोगों को ही अपने कब्जे में करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्ले द वीडियो। इस आदमी का नाम अखिल यादव है। यह हर दिन घर के बाहर सोता है। बुरी आत्माएं इसे रोज तंग करती थी। तुम लोगों के सीनियर्स को इस केस की जानकारी मिली और यादव को एक सुझाव दिया। आओ आओ डरपोक आत्माओं, आज मैं तुम सबको जला दूंगा। अब आके दिखाओ। और तब से यादव को उन आत्माओं ने तंग करना छोड़ दिया। इसका नाम ललिता है। इसके पति का इसकी बहन के साथ अफेयर था। इसे जब ये पता चला तो ये पूरी तरह टूट गई। ऊपर से इसका पति इसे मारता था और गालियां देता था। इसकी दिमागी हालत पूरी तरह खराब हो गई और इसने अपने आप को मारने का सोचा। मानसिक तौर पर कमजोर ललिता आत्मा के लिए एक अच्छी मेजबान थी। वो आत्मा ललिता के शरीर में दाखिल हो गई और उसके पति को मारने की कोशिश की। उसके बाद ललिता को क्या हुआ सर? आत्मा ललिता के शरीर को छोड़कर चली गई और ललिता के डर से उसका पति सुधर गया। अब दोनों बहुत खुश हैं। इन दोनों केसेस में एक कॉमन बात है, क्या तुम में से कोई बता सकता है? वो है आग। जब यादव ने आत्माओं को जलाने की धमकी दी तो वो भाग गए। ललिता को जब मैंने आग से जलाया तो आत्मा ने उसे छोड़ दी। आत्माओं को आग से डर लगता है। तुम लोगों ने कई लोगों के माथे पर देखा होगा, एक जला हुआ गोल निशान होता है। ये तकनीक हमें अपने पूर्वजों से मिली है। पुराने जमाने में वो लोगों के सिर के बीच के हिस्से को जलाकर ही आत्माओं को भगाया करते थे। तो आपके कहने का मतलब यह है कि अगर हम सिगरेट या बीड़ी पिएंगे तो आत्माएं हमारे पास नहीं आएंगी? हम अगले हफ्ते मिलेंगे। इतनी सुबह शर्लोक होम्स यहाँ क्या लेने आए? शर्लोक होम्स को हमेशा डॉक्टर वॉटसन की जरूरत पड़ती है। मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त काफी परेशान है और पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। प्लीज कम इन। हेलो, मैं पवन शर्मा। मैं राज, माय वाइफ लीना। हेलो। हेलो, विनोद ने मुझे आपकी प्रॉब्लम बताई, क्या मैं देख सकता हूँ? यस प्लीज। आप लोग इस घर में कब आए? 4-5 दिन पहले। कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी राज। मुन्नी को कुछ नहीं होगा लीना, कुछ नहीं होगा।
आखिरी बार आपने बच्ची को कब देखा था? कल रात को मैंने ही उसे यहाँ सुलाया था। बच्चों को अक्सर छुपने की आदत होती है, क्या वो ऐसा कुछ करती थी? नहीं सर, लेकिन जब से यहाँ आए हैं उसने कई बार घर से बाहर जाने की कोशिश की। घर से बाहर? हाँ, उसने कई बार घर से भागने की कोशिश की, किस्मत से हमने देख लिया। ये जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनका फुटेज मुझे देखना है। ये डेफिनेटली किसी बदमाश आत्मा का काम है, मुन्नी उसी के पास है। पर सर, एक आत्मा मुन्नी को क्यों लेकर जाएगी और कहां लेकर जाएगी? अगर ये पता लग जाए कि क्यों ले गई है तो पता लग जाएगा कि कहां ले गई है। एनीवेज, मुझे कुछ और देखना है। मैं ऊपर जाकर नीचे आता हूं, आप मुझे मॉनिटर पर देखिए। आप बाहर कैसे आ गए? आप कैमरा पर तो दिखाई नहीं दिए। घर के कई हिस्से ऐसे हैं जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जैसे कैमरा कवर नहीं कर पाता। अगर आप उस जगह होंगे तो कैमरा आपको नहीं पकड़ पाएगा। वो तो ठीक है, पर आप सिक्योरिटी अलार्म से कैसे बच गए? सर्वेंट रूम के दरवाजे में अलार्म नहीं है, मैंने उसका इस्तेमाल किया। उस दरवाजे पर अलार्म क्यों नहीं है? सर्वेंट रूम के दरवाजे पर अलार्म नहीं है? घर में सर्वेंट नहीं है तो उसका इस्तेमाल ही नहीं होता है। शायद सिक्योरिटी अलार्म वालों से भी मिस हो गया और हमने भी ध्यान नहीं दिया। यानी उस आत्मा को यह बात अच्छी तरह मालूम थी। आत्मा के पास एक वजह, प्लान और दिमाग है जिसका उसने इस्तेमाल किया। एनीवेज, इस घर में आने के बाद आपको बच्चे के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आया? उसके घर छोड़कर भागने के अलावा उसमें कुछ स्ट्रेंज या कुछ अलग टाइप का बिहेवियर आपको नजर आया हो? मुन्नी हमेशा से एग्जिट दी बच्ची रही है। हमें लगा समय के साथ समझदार हो जाएगी, लेकिन इस घर में आने के बाद वो ज्यादा जिद्दी हो गई थी। मैंने उसे कई बार डांटा भी था, लेकिन आपने खुद देखा ये सब उसने नहीं किया। उसे लगता है कि मेरी बड़ी बेटी की मौत की वजह मैं हूं, शायद इसी वजह से वो मुझसे नाराज है। आपकी बड़ी बेटी को क्या हुआ था? उसे क्रॉनिक अस्थमा था, पूल में स्विमिंग करते हुए उसे अटैक आया और हमने उसे खो दिया। मुन्नी को भी अस्थमा है। आई एम सॉरी। शुगर क्लॉक, मेरे खाने का वक्त हो गया। आपके यहाँ बिस्किट या कुकीज मिल जाएंगे? मैं देखता हूँ। नो नो, रिलैक्स, मैं देखता हूँ। ये चॉकलेट मेरे लिए परफेक्ट है, ये नट्स की वजह से मुझे बहुत पसंद है। आपको शुगर है और आप चॉकलेट खा रहे हैं? बॉर्डर लाइन पे है, कभी कभी चॉकलेट चलता है अगर कुछ ना हो तो। इसके नट्स से एनर्जी मिलती है। मुन्नी नट्स नहीं खा सकती, खाते ही उसका अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। फिर किसके लिए? आपके लिए। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, लीना और मैं चॉकलेट नहीं खाते हैं, हम खरीदते भी नहीं है। फिर ये कहां से आया? फ्रिज में तो पूरा बॉक्स पड़ा होगा।
चॉकलेट्स फुल्ली लोडेड विद नट्स। ये हो ही नहीं सकता, घर में चॉकलेट आता ही नहीं है और नट्स वाला तो बिल्कुल नहीं। इसे कल ही खरीदा गया है। रात को लीना सुपरमार्केट गई थी इनहेलर खरीदने, वो चॉकलेट क्यों खरीदेगी? शायद उन्हें खाने का मन हो, बॉक्स भी खुला हुआ है और चॉकलेट भी निकाला हुआ है। नो सर, लीना को चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं, मैं उससे पूछता हूं। वो फोन नहीं उठा रही है। लीना, 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 कल रात तुमने स्निकर चॉकलेट्स क्यों खरीदी? मैं तुमसे बात कर रहा हूं लीना। लीना, राज, राज, कम, कम, आजा, चलो, 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 चलो यहाँ से, राज, 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 क्या तुम ठीक हो? ये क्या था सर? आत्मा का औरत पर कब्जा या औरत का आत्मा पर, आप कुछ भी कह सकते हैं। क्या? मैं 95 किलो का हूँ सर, उसने मुझे हवा में उठाकर नीचे पटक दिया। आत्मा एक भाप की तरह होती है, उसकी ताकत को जानने के लिए उसे जानना जरूरी है। जिस भाप से खाना पकता है उसकी ताकत से ज्यादा कुकर का ढक्कन हिल सकता है, मगर प्रेशर कुकर के अंदर की भाप या स्टीम इंजन के भाप में बहुत ताकत होती है, वो भाप बहुत कुछ कर सकती है। आत्मा एक भाप है और इंसान का शरीर एक प्रेशर चैम्बर, और उस आत्मा की ताकत इंसान से जो चाहे वो करवा सकती है। तुम्हारी वाइफ पर आत्मा का कब्जा है मिस्टर राज, उसने आपकी वाइफ को बुरी तरह जकड़ रखा है। लीना के शरीर में आत्मा कैसे जा सकती है? कौन सी आत्मा, किसकी आत्मा? मिस्टर राज, मैं आपके हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता, बट आई एम श्योर कि यही आत्मा आपकी बेटी को ले गई। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपकी बड़ी बेटी कब गुजर गई थी? इसमें क्या कनेक्शन है सर? आप कह रहे हैं कि मेरी बड़ी बेटी की आत्मा मेरी पत्नी के अंदर घुस गई और मेरी छोटी बेटी को गायब किया उसने? मैं कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मिस्टर राज। इस वक्त हमें मुन्नी को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद, कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट्स और लीना की हालत देखने के बाद, कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। उस आत्मा ने आपकी बेटी को उठाने की कोशिश की और उसमें नाकाम होने के बाद उसने आपकी वाइफ पर कब्जा कर लिया। यस, आपका मतलब है लीना? मुझे अफसोस है लेकिन यही सच है, ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाते हुए आपकी वाइफ ही मुन्नी को कहीं ले गई है। मुन्नी को कहां लेकर गई होगी? एक सेकंड,
विनोद। हाँ पवन, कुछ पता चला क्या? इट्स लीना, वो आत्मा के कब्जे में, और पिछली रात वही मुन्नी को गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गई है। तो यारिया कहाँ? यहाँ तक मेरा ख्याल है वो किसी सुपरमार्केट गई है अस्थमा के इनहेलर्स लेने। ओके विनोद, मैं बाद में फोन करता हूँ। मेरी बेटी मुन्नी कहाँ है? मुन्नी का कुछ पता चला? इत्मीनान रखिए, हमें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। सर, किरण, मैंने व्हाट्सएप पर एड्रेस और एक फोटो भेजा है। उस पते के आसपास के सुपरमार्केट में जाकर पता करो कि जो औरत फोटो में दिख रही है वो वहां आई थी क्या। ओके सर। दरअसल हमारी बेटी कहां चली गई है? आई होप कि वो ठीक हो राज। ओह गॉड, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ राज, उसे ढूंढो। ये क्या है सर? मेरी बात ध्यान से सुनो। फिलहाल उसके अंदर आत्मा नहीं। जब उसके अंदर आत्मा थी तब उसने क्या क्या किया उसे याद नहीं। उसने मुन्नी के साथ क्या किया उसे ये भी याद नहीं होगा? उस वक्त किया हुआ कोई काम उसे इस वक्त याद नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है सर? आप पूछने की कोशिश कीजिए। उसे पूछिए कि वो चॉकलेट्स किसके लिए लाई। नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछिए। नहीं, मैं क्यों पूछूं? आप ही पूछिए, आपकी पत्नी है। वो ठीक है, लेकिन आप स्पेशलिस्ट हैं, आप पूछिए। स्पेशलिस्ट मैं हूं, लेकिन पत्नी वो आपकी है। प्लीज सर। इतनी अच्छी बॉडी किस काम की है? प्लीज। आपसे कुछ पूछना है, क्या आप बता सकती हैं कि आप चॉकलेट्स किसके लिए लाई थी? हमारी बेटी गायब है, मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। हमें बताइए हमारी बेटी कहाँ है? चॉकलेट्स और स्निकर्स के बारे में बाद में बात हो सकती है, अभी बताइए मेरी बेटी कहाँ है। प्लीज उसे ढूंढिए, कुछ करिए। मैंने कहा ना, तब की कोई भी बात इन्हें बिल्कुल याद नहीं। क्या बेवकूफी है, मैं पूछता हूं। लीना, कल रात तुम मुन्नी को कहां लेकर गई थी? मैंने पूछा तुम कहां लेकर गई थी? लीना, लीना रुको, रुक जाओ लीना। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी। सर, 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 आप ठीक हो? अब तो मुन्नी के बारे में आत्मा ही बता सकती है, और तब तक आत्मा को उसके अंदर ही रहना होगा। अगर आत्मा उसके अंदर से निकल गई तो हम मुन्नी के बारे में नहीं जान पाएंगे। लीना, कल रात तुम मुन्नी को कहां लेकर गई थी? प्लीज बताओ लीना।
राजकुमार राव, डरपोक कहीं के? कहाँ छुपा हुआ है तू? हाँ, लीना, कल रात तुम मुन्नी को कहाँ लेकर गई थी? प्लीज बता दो लीना। ये फोटो देखकर बताओ, क्या ये औरत यहां आई थी? सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं सर। लीना को स्टीम रूम में लाने की कोशिश करो। हाँ किरण, उनके घर के पास एक सुपरमार्केट है जहाँ ये लेडी रेगुलर आती है, लेकिन 3-4 दिनों से यहाँ नहीं आई है। ओके। राजकुमार राव, कहाँ छिपा हुआ है? आज तेरा आखिरी दिन है, बाहर निकल, बाहर निकल के आ। लीना, प्लीज बता दो मुन्नी कहाँ है? सर, मैंने तुम्हें एक नंबर व्हाट्सएप किया है, पिछले 4-5 दिनों का उसका लोकेशन ट्रैक करो, मोबाइल ऑपरेटर पर दबाव बनाओ और पता करो। ओके सर। चीज जो आत्माएं नहीं सह सकती है वो है गर्मी। मैंने मोबाइल नंबर ट्रैक कर लिया सर। फाइनल लोकेशन मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेजी है, लेकिन उसके साथ एक मोबाइल नंबर का और पता चला है, और वो मोबाइल नंबर लंबे समय तक उसके साथ में था। दूसरा नंबर किसका था? राजकुमार राव सर। बताओ मुन्नी कहाँ है, बताओ। नहीं,
उन्हीं को कहाँ छुपाया बताओ। इससे पूछ इसने मेरे साथ क्या किया था। कौन हो तुम? ये मुझे अच्छे से जानता है, पूछ इससे मेरा नाम क्या है। लीना प्लीज प्लीज बता दो मुन्नी कहाँ है। हमारे पास सिर्फ मुन्नी ही है, जरा सोचो अगर वो नहीं मिली तो हमारा क्या होगा। अब तुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मेरे माँ बाप भी मुझे ऐसे ही ढूंढ रहे हैं, जरा सोच के देख उनका क्या हाल हुआ होगा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या कह रही हो रीना। मुन्नी को कुछ हो गया ना तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मुन्नी मरेगी। हाँ? सुबह जब वो उठेगी उसे भूख लगी होगी और उसके हाथ में होंगी चॉकलेट, वो उसे खाएगी और सांस नहीं ले पाएगी और वो मर जाएगी। देख लेना वो मर जाएगी। प्लीज लीना ऐसे बात मत करो, वो हमारी बेटी है। प्लीज बता दो वो कहाँ है लीना। प्लीज लीना प्लीज बताओ उन्नी कहाँ है, तुम्हें बता रही होगा। राज, लीना, सर, सर, लीना सर, उसे तकलीफ हो रही है सर। टेम्परेचर डेंजर लेवल से ऊपर है, अगर हमने इसी तरह टेम्परेचर को मेंटेन रखा तो इसकी हड्डियों से मांस अलग होने लगेगा। अगर वो हमें नहीं बताती तो हमें टेम्परेचर कम करना होगा या उसे बाहर निकालना होगा, वरना लीना की जान भी जा सकती है। सर इसको क्या हो गया? लीना हम श्रेया को वैसे ही खो चुके हैं, अब हम मुन्नी को नहीं खो सकते। प्लीज बता दो मुन्नी कहाँ है, प्लीज बता दो लीना। मेरे माँ बाप ने भी मुझे खो दिया, बताओ उसे, बताओ तूने क्या किया मेरे साथ, बताओ, बताओ उसे कि तूने मेरी बॉडी के साथ क्या किया। किसकी बॉडी लीना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बता बता तूने मेरी बॉडी कहाँ फेंकी, बताओ। क्या इनके सवाल का जवाब है आपके पास? अगर है तो प्लीज जल्दी बताइए, लीना की जिंदगी बहुत खतरे में है और दरवाजा खोलने के बाद अगर आत्मा चली गई तो लीना मुन्नी का पता नहीं बता पाएगी। बताओ मेरी बॉडी कौन है? अरे बताओ तुम कौन हो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, बताओ बताओ, तुम्हें अपना नाम बताना ही होगा, बोलो मुन्नी को कहाँ छुपाया है, अपना नाम बताओ, बताओ बताओ, बोलो। देखो मुन्नी ने अपना इनहेलर गले से उतार दिया है। जॉनसन ग्रामर स्कूल दीदी। मम्मी मुझे भूख लगी है। मम्मी राज क्या हुआ?
कौन है ये जानवी? सर, राजकुमार राव का सिक्योरिटी सिस्टम बंद करो। ओके सर। बताओ, हम लीना को ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकते। लीना वहां मर जाएगी मिस्टर राज। जानवी है कौन? जानवी इसकी कंपनी के मर्जर के एक रात पहले से गायब है। उसके माँ बाप ने मिसिंग कंप्लेन फाइल की है। उसके गायब होने के ठीक पहले तुम उसके साथ थे राज। आखिर ये जानवी कौन है, बताओ? मेरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, मेरी एम्प्लॉय, अब मर चुकी है, मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? कैसे? वो मेरे ऑफिस में मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पर आई थी। मैं बेवकूफ था, बेवकूफ। तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि जो भी तुम्हें हायर नहीं करेगा वो इंसान बेवकूफ होगा। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूं? नहीं सर, सॉरी सर। डोंट बी सॉरी, वो सही है। तुम्हें जॉब के लिए हायर नहीं करना सरासर बेवकूफी होगी। वेलकम अबाउट। थैंक यू सर। अगले दिन कंपनी का मर्जर था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि हमने इस मर्जर के लिए कितनी मेहनत की है। कभी कभी छोटी सी गलती भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो। कल मिलते हैं, गुड नाइट। जानवी, yes, जाने से पहले मेरी स्पीच मुझे मेल कर। ओके सर। थैंक यू। हामा। हेलो बेटा, घर कब तक आओगी? नहीं नहीं, अभी ऑफिस में ही हूँ, काम कर रही हूँ। ठीक है, कुछ खाया है ना तुमने? नहीं माँ, जब यहाँ से निकलूंगी तो घर जाते वक्त कुछ खा लूंगी। अच्छा सुनो, घर जाके कॉल करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? सॉरी सर। इतनी मासूम मत बनो, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। सर प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आप जो मुझे ये स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं, सब ऑफिस में इसके बारे में बात करते हैं। मैंने स्पीच आपको मेल कर दी। जानवी, जानवी, What's wrong with you? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी उम्र ज्यादा है इसलिए? ये छू कर देखो, जवान लड़का भी मेरे आगे फेल है। या मेरी शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे हैं इसलिए? वो अलग है और ये अलग। मैंने मर्जर के बाद हम दोनों के लिए कुछ प्लान किया है, कुछ ऐसा प्लान बनाया कि जिसे सुनोगी तो तुम खुश हो जाओगी और तब तुम्हें ये एहसास होगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। ये फोन पर क्या कर रही हो? मैं तुमसे जानवी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जानवी, सब जानवी। What's wrong with you? Janvi, Janvi. Oh.
ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ सब बर्बाद हो गया है। अगले दिन अरबों रुपए का मर्जर था। मुझे डर था कि लीना और मेरी पूरी जिंदगी मेरे हाथों से हमेशा के लिए फिसल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। I am so sorry. सेंट जोसेफ सेमेट्री, सेंट जोसेफ सेमेट्री। आई एम सॉरी जानवी। अब बताओ मुन्नी कहाँ है? मुन्नी कहाँ है? बताओ मुन्नी कहाँ है? बताओ। लीना, 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 मुन्नी कहाँ है? लीना, लीना, मुन्नी कहाँ है? लीना बताओ, लीना, उठो लीना, मुन्नी कहाँ है? लीना, जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाओ। लीना प्लीज, लीना। डैडी, डैडी। मम्मी, डैडी, मम्मी, डैडी। मुन्नी, मुन्नी। डैडी, वो चॉकलेट का है, तुमने चॉकलेट तो नहीं खाया? कैसे खाती डैडी, आपको प्रॉमिस किया था ना मैंने। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, बहुत ही अच्छी लड़की। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बात मानी। आई एम सॉरी मुन्नी, सॉरी मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, रियली सॉरी मुन्नी। जानवी की आत्मा लीना में घुसकर राज को क्यों सता रही थी? जब शरीर से अलग हुई होगी आत्मा, उसे लगा होगा वो कार से बाहर आ गई, लेकिन असल में बॉडी कहीं और ही थी। जब वो वापस आई, उसकी बॉडी वहां नहीं थी। अपनी मौत से ज्यादा जानवी को इस बात का दुख था कि उसके माँ बाप ये नहीं जान पाए कि उसके साथ हुआ क्या। वो चाहती थी कि उसकी लाश उसके माँ बाप को मिल जाए। काम कर रही थी, जानवी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। और साथ ही साथ वो ये भी चाहती थी कि राज भी वो दुख सहे जो उसके माँ बाप ने महसूस किया था। ऐसा दुख जो अपने बच्चे को खोने पर होता है। उसने सोचा होगा कि तभी
राज अपनी गलती मानेगा। सिर्फ राज ही वो शख्स था जिसे पता था कि बॉडी कहाँ है। उसने राज को टॉर्चर किया ताकि वो अपनी गलती कबूल करे। उसके माँ बाप को बॉडी मिल जाने के बाद जानवी की आत्मा को शांति मिली होगी। जानवी की आत्मा जो चाहती थी आई थिंक वो उसे मिल गया। इसीलिए तो ऐसे केसेस के लिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन तुम भी कम नहीं हो, एक ही झटके में दो केसेस सॉल्व कर लिए। जानवी के मिसिंग होने के पीछे राज का हाथ है, ये कैसे पता लगा? जब जानवी के पेरेंट्स ने उसके मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई तो मैं राज से मिलने आया, क्योंकि वो उसके अंडर काम करती थी। उसने मुझे बताया कि मुन्नी मिसिंग है, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं पूछ पाया। राज ने दिमाग लगाकर ऐसी जगह लाश छुपाई जहां उसे कोई नहीं ढूंढ पाता। उसने अपने ऑफिस के सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए जो कि उसे फंसा सकते थे। फिर उसने जानवी के फोन से ही लीव लेटर ऑफिस को मेल किया। तुम फोन में लगी हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। और डेड होने तक जानवी का फोन राज के पास ही था, और साथ ही हमें यह भी पता चला कि राज जानवी के पास था। हाँ लीना। राज तुम डिनर के लिए घर आ रहे हो? हाँ मैं आ रहा हूं। अपराधी के द्वारा की गई एक बहुत ही छोटी सी गलती भी बड़े से बड़े केसेस को सॉल्व करने में मदद करती है। अरे हमारी बच्ची, क्या हो गया इसे? क्या हो गया? लेकिन ये तो एक फ्रीक एक्सीडेंट है, मर्डर तो नहीं है, तो क्या साबित करोगे? मिस्टर शर्मा, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो अपने दोस्त को कोर्ट के भरोसे छोड़ रहे हो? पुलिस होने के नाते जो कर सकता था मैंने किया, अब दोस्ती निभाने की बारी है। इंस्पेक्टर,